हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण पबजी प्लेयर हूँ। और मैं जो है पिछले 8-10 सीज़न से जो है पबजी खेल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने पबजी जो है 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी, तो मेरे ख्याल से तीसरा चौथा सीज़न था उस टाइम पे। चलो, लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पबजी वाले जो है आजकल जो है चीज़ों में फ़र्क किया हुआ है, एक रॉयल पास वाले में और एक नॉर्मल प्लेयर में। ठीक है, नॉर्मल प्लेयर तो नहीं कह सकते उसको, पता नहीं क्या से कह सकते हैं, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मैं सिर्फ इतना बयान करना चाहता हूँ कि पबजी वाले आजकल जो है रॉयल पास वालों को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। चलो, अहमियत दो, अच्छी बात है, अहमियत दो, ये आपका बिजनेस है, क्योंकि आप जो है वो पैसे आपको पेमेंट करते हैं, आपसे जो है आप कॉइन्स वगैरह लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, इलाइट पास वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हमें इतने याद नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं तरह के अंदर। पबजी एक गेम बनाई गई है मनोरंजन के लिए, जिसमें हर तरह का लोग खेलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ा कि 2018 में 2019 में 400 मिलियन से भी ज़्यादा पबजी के प्लेयर्स बन गए हैं। तो लेट मी इन्फॉर्म यू कि आपके जो ये रॉयल पास वाले, मेरे ख्याल में इसमें 30-40% हो गए आई थिंक, पर जो हम प्लेयर हैं जो रेगुलर खेलते हैं, जिनकी गेम का लेवल ही अपना है, वो 60-70% आपके अंदर यहाँ पे जो है गेम खेलते हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। कहने का मकसद ये है कि हमेशा हम जो है गेम्स खेलते हैं, कोपन जमा करते हैं, जैसे आपके क्लासिक कोपन हो गए, प्रीमियम कोपन हो गए, इस टाइप के जो कोपन्स होते हैं, ठीक है, इन पे आ जाएं, तो हमेशा जो है अगर कोई रॉयल पास वाला उसको क्लिक करता है तो उसकी इतनी बड़ी गन निकलती है, वो इतनी बड़ी स्किन्स निकलती है, उसकी कार की स्किन निकल गई, इतनी बड़ी ड्रेसेस निकल गई, वाह वाह वाह। हमारा जैसा आम आदमी जब उस कोपन को खोलता है तो क्या निकलता है? ठेंगा। या तो वो 20 रिडीम मिल जाते हैं वो सिल्वर कलर के सिक्के, या वो बीपी मिल जाते हैं 500-600, जो लगा के चलो उस पर ओके कर दो, अब ठीक है। या मुश्किल से कोई चीज़ मिल गई तो क्या मिलेगा? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अब सालों जब तेरे हो तो परमानेंट हो ना, 3 दिन 4 दिन के लिए कि क्या करूँगा मैं इसको, मैं कौन सा इसको टूर पे लेके जा रहा हूँ, या मुझे इसके जो है इसके साथ विजिटिंग करनी है, फिर मुझे आके वापस देना है, मुझे परमानेंट दो। आया मैं गेमर में, गेम खेल रहा हूँ आपके अंदर, आपके अंडर में, आपकी जो है गेम्स की जो है मैं इंटरटेनमेंट है वो गेम मेरी, मैं उस गेम में जो है आप खुद को इंटरटेन करना चाहता हूँ, आपने गेम बनाई इंटरटेन के लिए, चलो ठीक है, बात को रफा दफा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही हो गई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप जो है स्किन देते हो रॉयल पास वालों को, चलो वो पैसा भी खरीदते हैं, ठीक है, पर कोपन्स में भी आप उनको उतनी ही लेजेंसी देते हो, ना कि आम आदमी को आप जो है कॉइन्स के थ्रू भगाते रहते हो या टाइमर की चीज़ों पर भगाते रहते हो। चलो, अब आते हैं बीपी कॉइंस पे, जो आपके बीपी कॉइंस लगे हुए हैं, हैं इन पे अंदर जाओ तो भाई चीज़ें देख के बंदे का मुंह फट जाता है यार, इतनी इतनी चीज़ें, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। अब ये सोचे यार, रॉयल पास वालों को अगर इतनी लेन सी दी हुई है तो हमें वहाँ पर बीपी पे दी हुई है, बीपी कॉइंस पे दी हुई है, चलो यार यहाँ से ड्रेस खरीदे। जैसे उस पर क्लिक करो तो क्या आ जाता है? प्राइम, प्लीज़ सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब पे जाओ तो कहते हैं यूसी खरीदो। जब वहाँ पे बंदा पूरा वो यहाँ पे आता है अपनी ख्वाहिशें लेके कि यहाँ से मैं ड्रेस लूँगा, यहाँ से मैं स्किन लूँगा, जब उसको पता चलता है कि ये भी जो हरामपाई है वो भी रॉयल पास वालों के लिए ही बनी हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं इस बात से, इस बात में भी जो है इनकी हरामपाइयाँ बढ़ गई है। पिछले कुछ सीजन्स में मैं खेला हूँ कि उसमें मुझे ड्रेसेस मिली है और मुझे स्किन मिली है और बहुत सारी जो है चीज़ों की मुझे स्किन मिली है, पर अब जो सीजन्स में खेल रहा हूँ उनमें मेरे साथ यही सीन हो रहा है। मैं गेम्स खेल खेल के कोपन जमा कर रहा हूँ और मुझे या रिडीम मिल रहा है या बीपी कॉइंस मिल रहे हैं, या अगर कोई चीज़ मिल रही तो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए मिल रही। अभी भी आज मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैं एक कोपन खोल रहा था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इसमें अल्लाह करे रिडीम आ जाए तो मैं जो है इनको दिखा सकूँगी कि भाई ये तुम्हारा हमें मतलब फ़र्क क्या हुआ है। चलो, तुम रॉयल पास वालों को लीलियन से देते हो, वो तुम्हारा बिजनेस है एक जगह पे, हम मानते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने उन वो तुमसे पैसे पे चीज़ें खरीदते हैं, ये बात अलग है, पर जो कॉपन्स दिए गए हैं कम से कम उनमें तो लीलियन सी डालो, उनमें तो ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें परमानेंट डालो। नहीं, वहाँ उन कोपनों में भी उनकी चीज़ें जो खुल रही हैं परमानेंट खुल रही हैं, हराम हराम मतलब हरामी हरामी चीज़ें खुल रही हैं, पर जब हमारी कोई चीज़ खुल रही है तो क्या खुल रहा है भाई? 2 रिडीम 10 रिडीम 500 बीपी। बंदा खुश हो गया, चलो ये भी मिला। जब जाए उसमें अंदर तो वो भी रॉयल पास वालों के लिए रखे हुए हैं, उनमें से भी रॉयल पास वाले ही चीज़ें ले सकते हैं, हमारा तो कोई हक ही नहीं है ना यहाँ पे। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पबजी वालों ये रहम कर दो जो है तुम, भले रॉयल पास वालों को मैं कहता हूँ कि पूरे पबजी का जो है खाता खोल के दे दो, हमें कोई से कोई लेना देना नहीं, पर कम से कम जो कॉपन्स के थ्रू जो आप स्किन्स देते हो उनमें कम से कम परमानेंट चीज़ें तो डालो। बस यही मेरा आज का जो है, मैं जो है ये काम करता नहीं हूँ,
क्रिटिसिज्म के, पर मुझे एक चीज़ थोड़ी लगी, बुरी लगी, तो मैंने कहा कि कर दूँ। वैसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर शायद इस बात पे दबाव आ जाए इस गेम पे। चले ओके।